हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। और लाइंस एंड एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए आरसीपीएल की बुक से। सॉल्यूशन चल रहा है, कंसेप्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया, जितना भी कंसेप्ट था हमने देख लिया था। अभी सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन में 7A 7B ये हमने क्लियर कर दिया। अभी 7B का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर आए हैं उनको बता दूँ कि 7C से पहले 7A और 7B दोनों का सॉल्यूशन आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में देख लो, लिंक मिल जाएगा उसका पूरा का पूरा, ठीक है? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल लोजल मैथ्स पे क्लास 9-10 के लिए जितने भी कंसेप्ट पॉसिबल हैं मैथमेटिक्स के, जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट है, वो भी सबसे आसान कंसेप्ट, सबसे आसान और सबसे ऑथेंटिक सॉल्यूशन आपको एक साथ मिल जाता है। सो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है? और वीडियोज़ को इन्जॉय करते रहें, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए मैंने कोशिश करी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे स्टूडेंट को कुछ और ढूंढना नहीं पड़े, ठीक है? कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, हर चीज़ यहीं पर मिल जाए, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट ऑलरेडी कंसेप्ट वाले वीडियोज़ डाले हुए हैं। NCERT का सॉल्यूशन है तो भी है, RCP का सॉल्यूशन भी है। और खास बात यह है कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को ग्रुप करके मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन और भी बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन एक क्वेश्चन एक वीडियो में हमने क्या किया है, लगभग कोशिश होती है कि एक पूरा एक्सरसाइज एक वीडियो में क्लियर कर दें, जो लंबा। तो अभी फिलहाल जो एक्सरसाइज है 7C, ये तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। लगभग 24 क्वेश्चन है इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन में अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो कोशिश होगी कि 2 या 3 वीडियो में इसको हम क्लियर कर लें, ठीक है? नहीं तो एक वीडियो बनेगा तो लगभग 1.5 घंटे का बन जाएगा, तो उतना बनाने में मज़ा भी नहीं आएगा और लगातार बैठना पॉसिबल भी नहीं है। तो जहाँ तक हो पाता है लगभग 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन पढ़ो समझो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन से बनेगा, ठीक है? इससे पहले जो 7A और 7B था वहाँ पे, मतलब वो क्या कहते हैं, वो लीनियर पेयर से, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट से बनने वाला था। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन से बनेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन के लिए स्पेशल वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, वो जरूर देख लेना। तो वहाँ पे क्या होगा, वो वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या करना है, ठीक है? नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दैट इज नॉट इनफ, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, आई थिंक आपने वो वीडियो देख लिया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना, तभी ये देखना, नहीं तो मत देखना। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, एल और एम ये जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल है। एंड ए ट्रांसवर्सल टी, ये देखो ये जो ट्रांसवर्सल टी है ये कट करता है, कट्स देम एंगल 1, एंगल 1 ये आपका एंगल 1 है, ये जो देख रहे हो ये एंगल 1 है। इसके बारे में कह रहे हैं कि एंगल 1 कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है? फाइंड द मीजर ऑफ द ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। तो जिन एंगल्स में मार्क किया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सारे एंगल्स का मेजरमेंट बताना है, ठीक है? तो सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा सा सॉल्यूशन इसका होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन के हिसाब से गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एंगल 1, ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, एंगल 1 और एंगल 3, गौर से देखो, ये इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल, ठीक है, एक दूसरे के सामने सामने, तो इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर हो जाएगा, और 3 कितने भी, तो 1 और 3 बराबर, मतलब 1 अगर 120 है तो 3 भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। ब्रैकेट में आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ किया है उस प्रॉपर्टी के बारे में बता देना। तो हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का प्रॉपर्टी, ठीक है? ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। आपको साउंड आई थिंक सही से जा रहा होगा, साउंड थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं तेज़ी से बोल पाता हूँ एक्चुअली, मेरे को सारा दिन वीडियोज़ ही बनाना होता है, वो भी आपके लिए। मैंने क्या सोच के रखा है कि इस साल के, ये साल तो बहुत बड़ी बात हो गई, इस साल से पहले ही क्लास, कम से कम क्लास 9 का जितना भी कंसेप्ट हो, जितना भी सॉल्यूशन हो, जिस बुक का भी सॉल्यूशन हो, मैं पूरा का पूरा डाल दूँ, ताकि कोई मेरे से ये नहीं कहे कि सर ये नहीं मिला वो नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो थोड़ा साउंड अपना बढ़ा दो, चलो 1 3 के बराबर हो गया, ठीक है, ये तो सही बात है। ओके, 1 अब 5 के बराबर भी होगा, कौन सा प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, जिस जगह पे यहाँ पे है उसी जगह पे यहाँ पे है। देखो ये पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर, यहाँ पैरेलल के जस्ट ऊपर, दोनों ही इस साइड में। तो अब यहाँ से तुम क्या कहो, अब यहाँ से कहो कि एंगल 1 जो है ये 5 के बराबर भी होगा, ठीक है? क्यों होगा, तो एंगल अगर 1 120 है तो 5 भी कितना होगा, 120। ओके, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये 1 और 5 कैसे एंगल्स हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक।
ओके अब देखो, जब 5 हमने निकाल लिया तो 5 के जस्ट सामने 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 7 है तुम्हारा, जैसे यहाँ पे 3 था, इसका 1 का वर्टिकली अपोजिट, ऐसे ही 7 5 का वर्टिकली अपोजिट होगा। तो यहाँ से फिर से हम कहेंगे कि भाई हमारा जो 7 है ये तो 5 के बराबर है, और चूंकि 5 कितना है, 5 120 है, तो 7 भी कितना होगा, 120 होगा। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल्स में एंगल का साइन बना के अंदर में एस डाल देता हूँ, तो इसका मतलब एंगल्स हो जाता है, ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक। तो देखो कितने एंगल्स निकल गए तुम्हारे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 एंगल तुमने फाइंड आउट कर लिया। अभी ये 4 एंगल यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो अब बात ये आ रही है कि ये एंगल 2 निकलेगा कैसे, तो तुम जरा सा गौर से अगर गौर फरमाओ इस चीज़ पे, तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा ये बात है। एंगल 1 और 2 स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ बनने वाला एंगल है, ठीक है। येलो कलर से मैंने मार्क किया, देखो येलो कलर से मार्क किया है, ये स्ट्रेट लाइन है एल, उसके ऊपर बन रहा है 1 और 2। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। जब लाइन पे लाइन के किसी एक तरफ दो एंगल बनता है तो उसका सम 180 होता है, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे कि भैया यहाँ पे जो आपका 1 एंगल है और ये जो 2 एंगल है, इन दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स क्या कहलाते हैं, ये लीनियर पेयर कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो अभी अभी हमने 1 की तो बात कर ली है, 1 कितना है, 120 है, और एंगल 2 तो पता नहीं निकाल रहा, इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम सिंपली कहेंगे कि एंगल 2 जो है ना, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कहने का मतलब ये 60 डिग्री बराबर है। अभी देखो तुम्हारा 2 कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो अब 2 के जस्ट अपोजिट में 4 है, देख लो 2 के जस्ट अपोजिट में, तो वर्टिकली अपोजिट से 2 और 4 बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो 4 है ना एंगल हमारे पास में, ये तो 2 के बराबर होगा, और चूंकि 2 कितना है, 60 है, तो 4 और 2 दोनों बराबर है, दोनों ही 60 होगा, मतलब 4 भी 60 2 भी 60। ये कौन सा प्रॉपर्टी आपने लगाया, आपने कहा कि ये सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। समझ में आ रही बात, बहुत अच्छे से तुमको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो मेरे को भी समझा दो, कमेंट में कुछ लिख के बता दो, ठीक है। ऐसे नहीं काम चलेगा, लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया होगा, तुम कुछ कर नहीं सकते भाई मेरे लिए, मेरे को पता है, जो भी करना होगा खुद ही करना पड़ेगा। चलो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कम से कम इतना आज भर कर दो, फिर कल से देखा जाएगा क्या करते हैं। 4 हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो 4 हो गया, ये जो तुम्हारा 4 है, ये जो 4 है और ये जो 8 है, एंगल एंगल 4 एंड एंगल 8, बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्योंकि ये जो तुम्हारा पैरेलल लाइन है उसके जस्ट नीचे बन रहा है ये, और ये पैरेलल लाइन के जस्ट नीचे बन रहा है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ और ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है, देख रहे हो। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से क्या बात आ जाएगी कि आपका जो एंगल 8 है ना सर, ये तो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 और 8 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 4 कितना है, 4 तुम्हारा 60 डिग्री है, तो 8 और 4 दोनों ही कितना होगा, 60 डिग्री। भाई 4 भी 60 डिग्री है, 8 4 के बराबर है, तो 8 और 4 दोनों ही 60 के बराबर होगा ना, मतलब 8 भी 60 हुआ, कहने का मतलब ये हुआ। यहाँ पे कह दोगे कि सर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब 8 निकल गया, ठीक है, 8 निकल गया, तो 8 के जस्ट सामने क्या है, 6 है। देखो 8 के जस्ट सामने 6 है, तो अभी मैं कहूँगा कि आपका जो एंगल 6 है ये तो 8 के बराबर है, और चूंकि 8 किसके बराबर है, 60 के बराबर, तो 6 और 8 दोनों ही 60 के बराबर होगा। 6 8 के बराबर है और 8 60 के बराबर, मतलब 6 भी 60 के बराबर है। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी तुमने लगा दिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, कितना आसान सॉल्यूशन था। ऐसे ही लिखना है तुमको, सामने जो भी प्रॉपर्टी का यूज़ करें वो प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज के लिए तुम थोड़ा यूज़ कर सकते हो, लैंग्वेज मैं कम लिखता हूँ क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन देना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। ऐसे मतलब मेरे को सॉल्व करके तो टीचर को दिखाना नहीं है, टीचर को तुमको दिखाना है। सॉल्यूशन के लिए मैं लगभग 75% सॉल्यूशन में, मतलब जो भी मेन चीज़ है वो बता देता हूँ। लैंग्वेज 1 2 लाइन होता है, वो तुमको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। कोई टीचर भी लैंग्वेज लिख के बता दिया तो समझो कि वो सॉल्यूशन तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। बच्चे को तभी तक हाथ से खाना खिलाया जाता है जब तक वो खुद ही नहीं खाना शुरू करता है। जब तुम खुद ही खाने के लायक हो गए हो, ठीक है, खाना बनाने का काम किसी और का है, लेकिन खाना तो तुम्हें को पड़ेगा। तो ये कुछ जो कुछ भी मैंने कर दिया, ये तुमको सीखना है, लैंग्वेज तुमको लिखना है,
इन द गिवन फिगर एल एंड एम, ये दोनों पैरेलल हैं एंड ट्रांसवर्सल टी कट्स, एल एम पैरेलल है ट्रांसवर्सल टी काट रहा है। सेवन कितना है? सेवन 80 डिग्री का। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। अब मैं ये सब लिखूंगा नहीं, ये सब तुमको, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेवन एट भी था, यहाँ पे एक एंगल 120 दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल 80 दिया हुआ है, सिर्फ यही बात है। देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एंगल 1 120, यहाँ पे 780। बस मैं बता देता हूँ क्या करने वाले हो तुम, तुमको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है। देखो ये सेवन और फाइव क्या है भाई? वर्टिकली अपोजिट है। ये एरो ऐसे बनाने का मतलब क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट। तो ये 780 है, तो 5 भी कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, अब देखो 7 7 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो ये तुम्हारे पैरेलल लाइन के जस्ट नीचे और ये भी पैरेलल के जस्ट नीचे कॉर्नर में, तो जो भी सेम प्लेस पे एंगल होता है, जिस प्लेस पे यहाँ पे है उसी प्लेस पे यहाँ पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 80 है, तो तुम्हारा जो 3 नंबर है एंगल का, वो भी सॉरी 17 नहीं, वो भी 80 होगा। वो भी कितना होगा? 80। और जब 380 है तो 3 के जस्ट अपोजिट में एंगल 1 है, वर्टिकली अपोजिट से 1 भी कितना हो जाएगा? 1 भी 80 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे हम यहाँ पे क्या, वही का यही चीज़ तुमको लिखना है, यहाँ पे लिखने का प्रैक्टिस करो। ओके, अब ये 6 7 और 2 4, ये एंगल कैसे निकलेगा? जैसे हमने यहाँ पे लगाया था लीनियर पेयर वाला, वही काम करोगे। तुम कहोगे कि सर यहाँ पे लाइन के एक ही तरफ दो एंगल बन रहा है, एक एंगल 7 एक एंगल 8, लाइन के एक ही तरफ दो एंगल बन रहा है, 7 बन रहा है और एंगल 8 बन रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों? कौन सा प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर, लाइन पे जब पेयर मतलब दो एंगल बनता है। तो 7 80 डिग्री का है, तो 8 कितने डिग्री का हो जाएगा? एंगल 8 आपका हो जाएगा 180 माइनस 80, कहने का मतलब 100 डिग्री का। तो तुम्हारा ये एंगल 800 डिग्री का हो गया, ठीक है, एंगल 8 हो गया 100 डिग्री का। तो 8 के जस्ट सामने देखो, वर्टिकली अपोजिट से 6 जो है ये भी हो जाएगा 100 डिग्री का, 8 के जस्ट सामने, उसी जगह पे, ऊपर मत देखना, उसी जगह पे आमने सामने का एंगल वर्टिकली अपोजिट से ये हो जाएगा। ओके, अब 6 यहाँ पे है तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, जिस जगह पे 6 एंगल बन रहा है उसी जगह पे ऊपर में 2 एंगल बन रहा है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक ही एंगल दो जगह बन रहा है लेकिन उनका जो लोकेशन है वो सेम लोकेशन है। जैसे ये देखो, ये जो तुम्हारा लाइन है, लाइन ठीक है इसके कॉर्नर में बन रहा है, ठीक है, यहाँ भी ये जो तुम्हारा लाइन है इसके अपर कॉर्नर में बन रहा है, ये अपर कॉर्नर है, इस लाइन का अपर कॉर्नर, इस लाइन का अपर कॉर्नर, ठीक है। तो ये 6 है तो 2 और 6 दोनों क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, हमने बहुत जगह यूज किया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, तो 6 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। तो 2 अगर 600 है तो 2 भी 100 हो जाएगा। अब 2 के जस्ट अपोजिट में एंगल 4 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ये दोनों बराबर होता है, 2 और 4 बराबर हो कितना हो जाएगा? ये भी 100 हो जाएगा। तुम्हारे चारों के चारों एंगल्स तुम्हारे सामने आ चुके हैं, ठीक है भाई। क्लास 9 में अगर सबसे आसान कोई चीज़, कोई टॉपिक अगर दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअली क्लास 9 में आधा बुक जो है वो पूरा ज्योमेट्री से ही भरा हुआ है, और मतलब 50% बुक, और क्लास 9 को ये बहुत ही आसान बना देता है, लेकिन जो लोग सही से नहीं पढ़ते हैं वो कभी ज्योमेट्री सीख ही नहीं पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ज्योमेट्री जो लोग सही टीचर से और सही तरीके से, दोनों ही बात बता रहा हूँ मैं, नहीं पढ़ेंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो ज्योमेट्री जब भी पढ़ना हो तो एक बात हमेशा ख्याल करना कि सही टीचर से पढ़ना है, जो कंसेप्ट क्लैरिटी जिसके सामने आ रहा हो, हर एक चीज़ को क्लियर कर रहा हो, ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत तुमको भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर एल और एम पैरेलल है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, एल और एम पैरेलल और ये ट्री ट्रांसवर्सल हो गया। अब यहाँ पे किसी एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एंगल 1 और 2 के बारे में बता रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना, सॉरी एंगल 1 और 2 का रेशियो रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो है? 2:3, ठीक है, ये इनका रेशियो दिया हुआ है। तो हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है कि रेशियो को हटाना है तो एक्स लगा के आप अलग करो, तो 1 को हम कह देते हैं 2x, लेट एंगल 1 इक्वल, नहीं बी लिखना चाहिए था, मैंने इक्वल लिख दिया, गलत है भाई, सॉरी, तुम बी कर लेना, एंगल 2 इक्वल टू 3x, हमने इसको मान लिया। अब भाई एंगल निकलेगा, एंगल का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो गौर से देखो, एंगल 1 2 तुमको क्या कह रहा है कि भाई हम तो लीनियर पेयर है, एक लाइन एल है, लाइन के एक ही तरफ अप साइड में
वन और टू मिलके ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये तो लीनियर पेयर है। तो तुम क्या कहोगे कि भाई इसीलिए एंगल वन और एंगल टू को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये तो होगा, ब्रैकेट में लिख दोगे बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब वन कितना है, तुमने कितना माना वन को, वन को तुमने 2x माना है, टू को तुमने 3x माना है, और ये दोनों मिलके कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। 2x 3x कितना हो जाएगा, 5x, 180 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ से x कितना निकलेगा, 180 डिग्री बट्टा 5। कैंसिल करोगे इसको, ठीक है, 34 डिग्री आई थिंक आना चाहिए, 3 5 15 और 36, ठीक है, 36। बात समझ में आ गई, तो x तुम्हारा 36 निकल गया। अब x 36 निकला तो 1 कितना है तुम्हारा, देखो तुम्हारा एंगल 1 जो है ये कितना है, 2x है। तो यहाँ से जो तुम एंगल 1 की बात करोगे, एंगल 1 2x है, 2x कहने का मतलब 2 × 36, कहने का मतलब 72 डिग्री, ये तुम्हारा 72 डिग्री आ गया, ठीक है। और देखो एंगल 2 तुम्हारा कितना है, एंगल 2 यहाँ से 3x के बराबर है, तो 2 3x के बराबर है, 3x 3x 36 है, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 108 डिग्री आ जाएगा। मतलब तुम्हारे एंगल्स अब आ चुके हैं तुम्हारे सामने, एंगल 1 जो है ये वाला एंगल, ठीक है, ओह सॉरी, जो तुम्हारा एंगल 1 है ये कितना आ चुका है, 72 डिग्री। एंगल 2 कितना आ चुका है, 108 डिग्री, ठीक है। अब बाकी सारे एंगल्स तुम फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल दिया था तो हमें सारा एंगल निकाल लिया था, अभी तो दो एंगल दिया हुआ है। देखो सिंपली निकालते, कैसे निकालेंगे, ये 72 है 1, तो इसके जस्ट सामने वाला वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। ये 108 है, ये 108 है, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल 4 ये भी कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 72 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे बनेगा, क्योंकि सेम प्लेस पे ये लाइन L है, इसके अपर राइट साइड कॉर्नर, ये है ना ऊपर में राइट साइड का राइट साइड कॉर्नर, यहाँ पे जो लाइन M है इसका अपर राइट साइड कॉर्नर ये है, तो दोनों सेम ही प्लेस पे हुआ। तो ये 72 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 72, किस प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के प्रॉपर्टी से। इसी तरीके से जहाँ पे 2 है वहीं पे 6 है, ठीक है, अपर लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ भी अपर लेफ्ट कॉर्नर, देखो अपर मतलब ऊपर लेफ्ट साइड में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, यहाँ भी ऊपर है ट्रांसवर्सल लेफ्ट साइड में, दोनों ये एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये 108 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। फिर ये 72 डिग्री है क्वेश्चन, ये एंगल 372 है, और चलो उसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा निकाल दो, 72 है ये, इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट में 7 है, 5 का वर्टिकली अपोजिट 7, जस्ट सामने सामने, तो ये 72, तो ये भी 72। अब देखो 108 डिग्री ये है, इसके जस्ट सामने में 6 और 8, ठीक है, ये सामने सामने वाले एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट, ये 108 है, तो ये भी कितना होगा, 108 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ऐसा निकालना था, बस तुम लैंग्वेज लिखना जरूर, मैंने लैंग्वेज लिखा नहीं इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको जो पीछे वाले क्वेश्चंस थे, लैंग्वेज पहले क्वेश्चन बताने का मतलब क्या था, ये जो लैंग्वेज मैंने बताया था इसी का तुमको कॉपी करना है, बार बार सॉल्व तुमको करना है, तुमको छापना है सॉल्यूशन कि तुमको समझना है सॉल्यूशन, ये बात पहले बताओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर, एल एक्स का तुमसे पूछ रहा है कि एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू हो कि एल और एम पैरेलल हो जाए, ठीक है, L का ऐसा कौन सा वैल्यू, देखो L और M पैरेलल तभी होगा जब ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होता है, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, ठीक है, मेरी बात को समझना, जब लाइन पैरेलल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो लाइन पैरेलल होगा, एकदम सीधा सीधा उल्टा बात करना है, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो मैं कहूंगा कि भाई लाइन को पैरेलल करना है
मतलब इस दोनों एंगल को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉरेस्पॉन्डिंग, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जब तक ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा तब तक लाइन पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में छोटा सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, फॉर एल पैरेलल एम, एल और एम पैरेलल होने के लिए, ठीक है, एंगल जो आपका बन रहा है ये 3x-20, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो मतलब ये 3x-20 और 2x+10, ये दोनों बराबर होना चाहिए। सीधा सीधा बात है कि आप इसको पैरेलल करना चाहते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर होना चाहिए। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कर दिया। अब यहाँ जो बराबर हुआ तो ये एक्स में इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, मैं कमेंट में लिखते रहो, जरा सा कमेंट लिखते रहो, तुम इतना काम है मेरे मेरे को कितना लिखना पड़ता है। ठीक है, कि इस पेन का नीब लोग बदलते हैं 2 साल पे, मेरी बात को सुनो जरा सा गौर से। ठीक है, इस पेन का नीब लोग बदलते हैं 2 साल पे, मैंने कितना लिखा, मैंने कितना लिखा कि 3 महीने में इसका नीब बदलना पड़ गया मेरे को। अब तुम समझ लो बात को, क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो तुम इतना तो लिख सकते हो कमेंट में, 3x 2x को उधर ले आते हैं, 2x। ठीक है, इधर आपके पास में कितना है, 10 है, डिग्री लगा देना, कहीं कहीं डिग्री छूट जाता है तो तुम डिग्री लगा देना, कोई बात नहीं। इधर 10 और ये 20 को हम इधर ही ले जाते हैं, तो ये 20 प्लस में आ जाएगा, 20 20 10 कितना हो जाएगा, 30। अब तुम्हारे पास में 3x-2x करने का मतलब सीधा x इक्वल टू कितना हो गया, 30, ये तुम्हारा आंसर आ गया। मतलब जब तक x का वैल्यू 30 नहीं होगा तब तक ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब x का वैल्यू 30 होगा, ठीक है, तभी ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं। हमने उसने कहा कि एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए ये दोनों पैरेलल हो, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये पैरेलल ही है, तो पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। हमने बराबर किया, एक्स का वैल्यू निकल गया, एक्स की वैल्यू 30 के लिए ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। क्वेश्चन 4 समझ में आ गई बात, 5 देखते हैं। चलो भाई, आपका वीडियो कितने मिनट का हो चुका है, 22 मिनट का, 30 मिनट पे ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, तुमको पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है। सो ठीक है, देखो तुमसे कह रहा है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए एल और एम पैरेलल हो जाएगा। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तुमसे कह रहा है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए दोनों पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, किस वैल्यू के लिए पैरेलल हो जाएगा, तो सीधी सीधी बात है भाई कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं। तुमने प्रॉपर्टी जो पैरेलल लाइन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा पढ़ा होगा तो फिर से एक बात ऐसा बोलूंगा कि तुमको बहुत बुरा लगेगा। सेम ऑन यू, अपने आप पे शर्म करो कि कोई टीचर आपको अपना काम का छोड़ के सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं ले ले रहा है तुमसे। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि मेरे चैनल के बहुत सारे व्यूज़ हैं, मुझे बहुत सारा पैसा भी आता है, मैं सिर्फ इस पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ कि तुम सीख सको, फिर भी नहीं देख रहे हो तो सीधी सीधी बात है कि सेम ऑन यू। प्रॉपर्टी जो पैरेलल मैंने पढ़ाया है वो जरूर देखना, तब ये सारे क्वेश्चन तुमको खुद ही बन जाने वाला है। ये दोनों लाइन पैरेलल, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, को इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अगर इनका सम 180 हो जाता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जब ये लाइन पैरेलल होता है तो इनका सम 180 होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है तो इनका सम 180 होता है, अगर इनका सम 180 हो गया तो ये पैरेलल हो जाएगा। एकदम सीधा उल्टा बात करते हैं। ठीक है, तो बस वही सेंटेंस, फॉर एल पैरेलल एम, एल और एम को पैरेलल होने के लिए 3x+5 डिग्री जो आपका, सॉरी चलो ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है। इस दोनों के पैरेलल होने के लिए आपका जो ये एंगल है 3x+5 और यहाँ जो एंगल है 4x, इस दोनों को बराबर होना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये बराबर हुआ, सॉरी इसका सम 180 होना पड़ेगा, 180 180, ये को इंटीरियर एंगल है, इनका सम कितना होता है, 180 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इनका सम कितना होता है, 180। तो हमने क्या कहा कि भाई ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो कर लेते हैं पैडल, देखते हैं पैडल के लिए दोनों का सम 180 कर दिया हमने, 4x और 3x मिला कितना हो जाएगा, 7x। इधर 180 है, 5 को इधर ले जाते हैं, घटेगा तो कितना बचेगा, 175,
एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 175 डिग्री बाय 7, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो एक्स पूछ रहा था कि एक्स के किस वैल्यू के लिए ये पैरेलल होगा, तो एक्स इक्वल टू 25 के लिए ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, इसके अलावा तुम कोई भी एक्स का वैल्यू लोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा, और जब ये बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, तो ये पैरेलल नहीं होगा। बात समझ आ रहे हो, बात समझ रहे हो, एक्स इक्वल 25 पे ही दोनों पैरेलल होगा, इसके अलावा कहीं ये पैरेलल नहीं होगा, दैट्स इट। ठीक, अभी यहाँ पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इन द गिवन फिगर, यहाँ से कंस्ट्रक्शन वाला काम चालू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुमको समझना पड़ेगा। ए बी देखो, ए बी ये जो लाइन हमारा ए बी है रेड कलर से, ए बी और ये लाइन सी डी, ये पैरेलल है। ठीक है, फिर जो बी सी है ब्लू कलर वाला लाइन और ई डी है ब्लू कलर वाला लाइन, ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है कि आप एक्स का वैल्यू, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये बताओ। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का यूज़ करेंगे। दो एंगल दिया हुआ, एक एंगल ये दिया हुआ है 70, ये एक्स दिया हुआ है, ये 75 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब एक्स में और 75 में कोई ना कोई रिलेशन मेरे को मिल जाए। अब ऐसा कोई रिलेशन दिखाई नहीं पड़ नहीं रहा है। तुम एक बात देखना, ये रेड वाला दोनों लाइन पैरेलल है, रेड वाला लाइन आप यहाँ पे क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल सी डी, तुम ये बात लिखोगे, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, और तो इसीलिए इसीलिए क्या होगा, नहीं, और ट्रांसवर्सल जो है वो भी क्लियर कर दो, ए बी पैरेलल सी डी। एंड ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है, तिरछा लाइन जो उसको टच करे या काटे। ठीक है, यहाँ देखो ये काट दिया तो भी ट्रांसवर्सल, और इस दोनों पैरेलल को ये टच कर रहा है, ये बी पे टच कर रहा है और यहाँ पे सी पे टच कर रहा है। टच करना काटना ऑलमोस्ट एक ही बात है। ठीक है, तो टच किया तो भी ट्रांसवर्सल, काट दिया तो भी ट्रांसवर्सल, इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके तो काटने वाली बात ही हो जाती है। बात समझ रहे हो, काटने वाली बात ही हो जाती है। तो टच किया तो ट्रांसवर्सल ही है, ये भी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है तुम्हारा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इसीलिए एंगल ए बी सी, ए बी सी ये जो तुम्हारा एंगल है, ए बी सी और बी सी डी, ये एंगल ये दोनों बराबर हो जाएगा, बी सी डी ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा बराबर, किसके बराबर, एक्स के बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर, तो यहाँ तो एक्स है तो ये भी एक्स ही हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगेन अगेन तुम क्या कहोगे कि बी सी पैरेलल ई डी, बी सी और ई डी पैरेलल है, एंड अभी सी डी ट्रांसवर्सल है, सी डी ट्रांसवर्सल, सी डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसीलिए इन दोनों एंगल में अब क्या रिलेशन है, अभी जो रिलेशन तुमने यहाँ पे देखा था, यहाँ जो रिलेशन देखा था कि इसको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, दो पैरेलल लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल किसी एक ही तरफ, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल है तुम्हारा, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, ये एंगल एक ही तरफ मतलब लेफ्ट साइड में एक्स बन रहा है और 75 बन रहा है, तो ये को इंटीरियर हुआ, तो इसलिए एक्स प्लस 75 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। को इंटीरियर का सम 180 होता है, ये बराबर नहीं होता है, तो वो देखने से बराबर नहीं लगेगा, ये एंगल बड़ा है ये एंगल छोटा है, तो उसका सम 180 होगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75 घटाओगे तो 105 डिग्री तुम्हारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, 7। ओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7-8, 7-8 देख के छोड़ देंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन इसमें देखा, 24 क्वेश्चन है टोटल, टोटल 24 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन इसमें देखा, बाकी जो भी क्वेश्चन है फिर 8 क्वेश्चन अगली वीडियो में, फिर 8 क्वेश्चन अगली वीडियो में। इन द गिवन फिगर ए बी पैरल सी डी पैरल ई एफ, देखो गौर से देखना, ए बी ठीक है, सी डी और ई एफ, ये तीनों का तीनों पैरेलल है, तीनों का तीनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो तुमसे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, अब पैरेलल है तो भाई हम क्या प्रॉपर्टी लगाएं यहाँ पे, ये बात जानना बहुत जरूरी है।
समझो बात को, ठीक है, समझोगे तभी समझ में आएगा कि क्या बातें हो रही है। पहले तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, पहले तो ई एफ और सी डी पैरेलल है और सी डी सी ई ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा इनका सम 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल जो जस्ट पीछे हमने यूज़ किया है, ठीक है, ये को इंटीरियर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि ई एफ पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल सी डी, ठीक है, एंड सी ई इज ट्रांसवर्सल, सी ई इज ट्रांसवर्सल, या क्या मैं लिख, चलो कोई बात नहीं, तुम समझ लो। तो इसीलिए ये जो एंगल तुम्हारा है सी ई एफ, सी ई एफ, और ये जो एंगल है ई सी डी, ये वाला एंगल ई सी डी, ई सी डी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, ओके। तो सी ई एफ 130 दिया हुआ है, तो सी ई एफ की जगह पे क्या लिखते हैं 130, और ई सी डी, ई सी डी तुमको पता नहीं है इक्वल टू 180, इसीलिए ई सी डी, ई सी डी कितना 130 को इधर ले जाएंगे तो 180 में से घटेगा, कितना बचेगा 50 बचेगा, 50 डिग्री निकल गया तुम्हारा, ये एंगल कितना निकल गया 50 डिग्री, ठीक है। अभी तुम बाकी सब कुछ को भूल जाओ, अभी तुम यूँ समझो कि ये इसको भी मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल, इस रेड वाले को मैं मिटा रहा हूँ, अभी सिर्फ तुम क्या देखना, ये जो दो रेड वाला लाइन खींचा हुआ है ये पैरेलल लाइंस हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैरेलल, और पैरेलल का एक और साइन होता है कि जब एरो एक ही तरफ हो, देखो एरो जब एक ही तरफ हो एक ही डायरेक्शन में तो वो पैरेलल होता है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ओके, और ये ट्रांसवर्सल है, ये जो है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। अब यूँ समझना कि जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये पूरा एंगल और इधर से ये पूरा एंगल, ठीक है, जब जेड का शेप बने, जेड का शेप हमेशा रखना, जब क्या शेप बने, जेड का शेप बने, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ये बराबर होता है, बात समझ रहे हो। तो अभी तुम क्या लिखने वाले हो, तुम लिखने वाले हो नाउ ए बी पैरल सी डी, ए बी और सी डी क्या है पैरल है, तो तुम क्या लिखोगे ए बी पैरल सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसीलिए आपका जो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये बराबर होगा, तो ये एंगल कौन सा एंगल है तुम्हारे पास में, ये एंगल है बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए बी सी के बराबर, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तुम यहाँ सामने लिख देना कि भाई ये कैसे एंगल्स हैं, ये है अल्टरनेट ए फॉर अल्टरनेट, आई फॉर इंटीरियर, और ये हो गया एंगल्स का साइन, ठीक है, बात क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, ओके, बी सी डी दो एंगल से मिलकर, यहाँ पे देखो ये एक्स था, एक्स ओवरलैप हो गया, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे मैं जहाँ मैं कर्सर है ओवरलैप हो गया, यहाँ पे एक्स था, तो ये जो बी सी डी है दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, बी सी डी में कौन कौन से एंगल्स हैं, एक एक्स है, एक एक्स है और दूसरा 50 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे बी सी डी आता है आपका, जो भी बी सी डी आएगा, बी सी डी, बी सी डी, ये इन दो एंगल्स को जोड़ने पे आता है एक्स प्लस 50, तो बी सी डी एक्स प्लस 50 हो गया, और ए बी सी कितना है, ए बी सी 70 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स कितना निकलेगा 70 माइनस 50 इक्वल टू 20, ले देखो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, कहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्या था डिफिकल्ट, ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वीडियोस में कि बच्चे 30 मिनट बैठना नहीं चाहते हैं, जबकि मेरा जो ऑफलाइन क्लास होता है वो 1.5 घंटे क्लास होता है ऑफलाइन क्लास, ठीक है, तो जो ऑफलाइन क्लास में मेरे जो स्टूडेंट हैं इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे सिर्फ विदाउट एनी पेन एंड पेपर, वो इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, तो पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है और पढ़ने के लिए आपको समय भी देना पड़ता है। तुम चाहते हो कि 5 मिनट में मैं 5 घंटे का चीज़ पढ़ लूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, फिर इस फिर तुम्हारे तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई आदमी नहीं है, ये बस समझ लो, जिसको जो प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। अब किसी फसल को हमने लगाया, वो फसल 3 महीने में तैयार होता है, अब तुम चाहते हो कि मैं 3 दिन में फसल काट दूँ, क्या मिलेगा तुमको,
सिर्फ उसका जंगल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ना दाना मिलेगा तुमको, ठीक है, ना कोई अनाज मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो प्रॉपर टाइम लगेगा ही नहीं, तो तैयार नहीं होगा। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी दोनों पैरेलल है, इस फिगर में ए बी सी डी पैरेलल है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी पैरेलल है, एरो लगा हुआ है, मतलब पैरेलल है। ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो गया, ध्यान से देखना। एक तुम्हारा ट्रांसवर्सल ये हो गया रेड कलर था जो मैंने मार्क किया है, एक ट्रांसवर्सल ये हो गया। दूसरा ट्रांसवर्सल मैं बता देता हूँ, ये जो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ ये तुम्हारा दूसरा ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दोनों ही लाइनें जो हैं, ये दोनों जो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल लाइन को टच कर रहा है। ये रेड वाला इसको यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, सॉरी यस ब्लू, ब्लू वाला भी यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, ठीक है। भले ही आपको ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारे हिसाब से ट्रायंगल है, मेरे हिसाब से ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप, सिंपली देखो, बहुत ही आसान है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, क्या है चीज़, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ जो है आपका, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यों क्यों, मैंने क्या कहा था, जब भी जेड शेप बने, वॉट देखो, ये देखो जेड शेप बन रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, देखो जेड शेप बन रहा है। तो ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक ऊपर एक नीचे, उसी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड, लेफ्ट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक, ऊपर एक नीचे, ठीक है, दोनों ही अंदर में। तो यहाँ पे सिंपली कहेंगे कि वाई, सेंटेंस लिख देना कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। अभी ट्रांसवर्सल तुमने क्या लिया है, तुमने ई एफ ट्रांसवर्सल लिया है, एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसीलिए जो वाई है ये 75 डिग्री के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, सीधा सीधा बात, ठीक है। तो तुम्हारा वाई हो गया 75 डिग्री का, तुम्हारा वाई 75 डिग्री का हो गया। अभी ये निकालना है, ये एंगल निकालना है एक्स वाला। तो एक्स वाला तुम ज़्यादा दिमाग लगाओ ही नहीं, तुमको पता है कि सर ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है इस पे, ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये 180 होता है जोड़ने पे, ये आपको पता है, तो क्यों क्यों ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। सिंपली कहो कि एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर, एक लाइन पे जब दो एंगल बनता है तो लीनियर पेयर, ये कैसा एंगल है, लीनियर पेयर है। तो एक्स रहने दो, वाई तुमने कितना निकाला है, तुमने 75 निकाला वाई को, इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75 इक्वल टू 105 डिग्री, तुम्हारा x निकल चुका है 105 डिग्री, ठीक है। अभी तुमको z निकालना है, z कितना होगा, ठीक है। अब z कैसे निकालोगे, सोचो जरा, सोचो, दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे। देखो एक बात समझो, मैं किसको मार्क कर रहा हूँ, देखना इसको, देखो मैं किसको मार्क कर रहा हूँ, ऐसे, ये और ये, ठीक है। ये तुमने क्या देखा कि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तुम यहाँ पे लिखना शुरू करो कि ए बी पैरेलल सी डी, एंड अभी तुम ई जी को ट्रांसवर्सल ले रहे हो, ई जी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब मैंने क्या बताया, जस्ट बताया ना अल्टरनेट, कि एक ऊपर बने एक नीचे बने, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो वही तो है, ये ऊपर बना ये नीचे बना, ये लेफ्ट में ये राइट में, सीधा सीधा ऐसे देखना है, ये बराबर होता है। इसलिए तुम क्या कहोगे कि इसीलिए ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, इस एंगल में 75 आ रहा है और जेड आ रहा है, तो आपका ये जो एंगल है ये 75 डिग्री प्लस जेड डिग्री, ये किसके बराबर होगा, ये 125 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्योंकि एक तरफ 75 और जेड है, दूसरी तरफ 125 है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देना कि ये कैसे एंगल्स हैं, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली जेड कितना हो जाएगा, 125 डिग्री माइनस 75 डिग्री घटाओगे तो
50 डिग्री, मतलब तुम्हारा जेड 50 डिग्री निकल गया। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन 8 हमने 8 तक क्लियर कर दिया, अभी छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन आपका 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, पार्ट बाय पार्ट में देखते हैं। ठीक है, जो छोटे साइजेस होते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में ही क्लियर कर दूँ। 7A को मैंने एक वीडियो में ही क्लियर किया था, ठीक है, लेकिन अभी 24 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में 40 मिनट हो चुका है, तो जोड़ लो कितना हो जाएगा, 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। जरूरत नहीं है, आप पार्ट बाय पार्ट में देख लें। ठीक है, इसके आगे का 7C में जो आगे का वीडियो, 8 तक तो बता दिया, अब 8 से लेकर 9 से लेकर 16 तक का जो वीडियो होगा वो ढूंढना नहीं तुम कहीं पे। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करो ना तुम, ऊपर में ही, सबसे ऊपर में ही नेक्स्ट वीडियोज करके जितने सारे वीडियोज, इसके आगे वाले जितने वीडियोज हैं, मतलब तुमको किसके बाद क्या पढ़ना है, मैंने वो भी सारे वीडियोज का लिंक दे दिया। तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं इसके बाद क्या पढ़ूँ, उसके बाद क्या पढ़ूँ, हर चीज़ का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, तो बस सिंपली तुम मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करो, जितना कह रहा हूँ उतना काम करते रहो, तो ज्योमेट्री का तुम हीरो बन जाओगे। ठीक है, निश्चित, कह दिया तो कह दिया, नहीं तो भाई जीरो हो, जीरो ही रहोगे, ये बस मान लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 7C के आगे मिले वीडियो के साथ। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी लगा जरूर जरूर बताना, और थोड़ा सा सपोर्ट करना अपने चैनल को, थोड़ा जितना हो सके प्रमोट, मतलब ये कि अपने सारे जो आपके फ्रेंड बाई ग्रुप्स हैं वहाँ तक भेजो, लोग हम तक पहुँचे, ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। सिंपली बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सब तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी के घर मेरे पास में है, लेकिन आपके जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। तो आप सिंपली उन लोगों को हमसे जोड़ें और हम उनसे जुड़ें, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।